हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मरल फार्मिंग ब्रदर्स। आज हम मरल फार्मिंग के लिए हिंदी में वीडियो बना रहे हैं। कौन सा स्पॉट ठीक रहेगा मरल फार्मिंग के लिए, या बायोफ्लॉक मेथड, या टैंक कल्चर, या नेचुरल पॉन्ड कल्चर, ये तीनों में से कौन सा कल्चर ठीक रहेगा मरल फार्मिंग के लिए, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर कौन सा स्पॉट लें हम, टैंक में कल्चर करें या ब्लोअर लगाएं, उसको ऑक्सीजन कैसे कंट्रोल करें, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए और पीएच कितना होना चाहिए, और कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, टैंक मेथड अच्छा रहेगा या बायोफ्लॉक या नेचुरल पॉन्ड। तो ये सारे कमेंट्स आ रहे थे दोस्त। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर हम वीडियो बनाया जाए, आपको ये सारे डिटेल्स हम शेयर किया जाए। ठीक है फिर दोस्तों, तो आपको आज हम मरल फार्मिंग के लिए बेस्ट मेथड डिस्कस करेंगे दोस्तों। मरल फार्मिंग है ये एक फर्स्ट मेथड है नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल पॉन्ड मेथड। नेचुरल पॉन्ड आपको ऑलरेडी मैंने नेचुरल पॉन्ड कैसे बनाना है सस्ते से सस्ते में, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो देखी है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको नेचुरल तरीके से आपको मरल फार्मिंग कैसे करते हैं और पॉन्ड कैसे बनाते हैं वो डिटेल्स मैंने दे दिया है ऑलरेडी। तो आपको बाकी के दो मेथड से सीमेंट टैंक मेथड और दूसरा बायोफ्लॉक मेथड दोस्तों। तो सीमेंट टैंक में आपको मरल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों, और बायोफ्लॉक भी सेम कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ नेचुरल पॉन्ड, आप देख पा रहे हैं अगर आपके पास 1000 या 2000 बच्चे हैं, वो फार्मिंग लेवल को एटलीस्ट फार्मिंग लेवल को आने के लिए एटलीस्ट आपको 80 से 100 ग्राम्स तक बनाना पड़ेगा दोस्तों। तब तक आपको ऐसे केज कल्चर में रख सकते हैं पॉन्ड विद इन द पॉन्ड, इसका मतलब ठीक है वो पॉन्ड में आपको 1000 से 2000 बच्चों को आप रख सकते हैं। अगर आपके पास अगर 80 से 100 ग्राम्स का बच्चा का वेट क्रॉस हो गया तो आप नेक्स्ट लेवल को मूव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको 80 से 100 ग्राम्स तब तक ना आए तब तक आप फ्री से आप ना छोड़ें। ठीक है दोस्तों, मरल ना एक बार अगर छोड़ देते हैं फ्रीली तो वो नहीं मिलती है और आपको काउंट करना भी मुश्किल होता है। तो पॉन्ड विद इन द पॉन्ड, और आप और एक पॉन्ड बनाएं जैसे हम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे केज कल्चर में, तब तक 80 से 100 ग्राम नहीं आता तब तक आप रिलीज़ ना करें। ठीक है दोस्तों, और थोड़े दोस्त पूछ रहे हैं कि सर ऑक्सीजन लगाना है या नहीं लगाना है। दोस्तों, मरल फार्म स्नेकहेड फार्मिंग में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ब्लोअर को आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, मरल और स्नेकहेड या कैटफिश जो है ना दोस्तों, ये प्रजाति के मछली ऊपर ऊपर आके सांस लेती है, सर ऊपर निकाल के सांस लेती है, हवा से लेती है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, बाकी का कटला रोहू ये सारी प्रजाति की मछली है ना, दो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है पानी के अंदर से। ठीक है दोस्तों, आपको प्रेफरेबल है नेचुरल पॉन्ड का तरीका मरल फार्मिंग के लिए, स्नेकहेड फार्मिंग के लिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेचुरल पॉन्ड में आपको वाटर प्लांट्स भी डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर टैंक कल्चर पे जाते हैं सीमेंट टैंक कल्चर में, ये वाला भी टैंक कल्चर का वीडियो है, आपको अगर टैंक कल्चर पे जाते हैं तो आपको मेंटेनेंस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। टैंक कल्चर में ना क्या होता है, वीकली आपको मंथली आपको पानी चेंज करना पड़ता है, और पानी के साथ साथ ना और मछली का जो वेस्टेज रहता है और आप जो फूड दिया है उसका भी वेस्टेज ना पानी के नीचे के लेयर में जम जाता है दोस्तों सीमेंट टैंक पे। ठीक है, सीमेंट टैंक या बायोफ्लॉक टैंक में उसको ना आप क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। आप पाइप रख के आउटपुट पाइप रख के भी निकाल सकते हैं, मगर तब भी जाके वो लेयर जैसा जम जाता है। मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखा है टैंक कल्चर में, वो वीकली मंथली जाके ना क्लीन करते हैं, 1 इंच 2 इंच का लेयर बन जाता है काला जैसा, वो फिश का जो भी वेस्टेज रहता है नाइट्रोजन ठीक है उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना, आपका पैर भी फिसल जाता है, वो चिपचिपा सा उसमें पैर फिसल के आपका सर भी फटने का वो हो जाता है दोस्तों, मसला हो जाता है। तो आपको नेचुरल पॉन्ड में क्या होता है, कुदरत का बनाया हुआ सॉइल आपको ना आपके फिश के वेस्टेज को और क्या होता है आप जो फीड देते हैं उसका भी वेस्टेज को ना वो नेचुरल सॉइल ऑब्जर्व करके ना उसको बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है या फिर सॉइल में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, जब बैक्टीरिया बनता है उसको बैक्टीरिया खाने के लिए फिर से एर्थवर्म्स आ जाएंगे ठीक है, या रेड वर्म्स आ जाएंगे दोस्तों, ये वर्म्स को भी मरल खा लेती है। ठीक है, नेचुरल पॉन्ड
ये बायोफ्लॉक कल्चर में आप सीमेंट कल्चर में ना आपको एयरवॉर्म तैयार नहीं होंगी और रेडवॉर्म्स तैयार नहीं होंगी, आपका जो भी वेस्टेज रहता है मरल का फिश का वो वैसे का वैसे लेयर बन के नीचे रह जाएगा और आपको डिसीज़ फैलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको प्रेफरेबल है नेचुरल पॉन्ड, नेचुरल पॉन्ड कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता दिया है। कम से कम 2000 में एक घंटे के लिए पोकलिन वाला, पोकलिनर जेसीबी वाला एक घंटे में, एक घंटे का 1000 चार्ज करता है दोस्तों हमारे एरिया में। आपके एरिया में शायद 1100 हो या 1200 हो, ठीक है दोस्तों। 2000 में आपको 100 से 200 गज का भी पॉन्ड बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप इतना ज़्यादा खर्चा बायोफ्लॉक के लिए और टैंक सीमेंट टैंक मेकिंग के लिए ना करें दोस्तों, ठीक है। नेचुरल पॉन्ड में आप नेचुरल पॉन्ड में रखें, नेचुरल पॉन्ड में आपको मरल का ग्रोथ भी अच्छा होगा। अगर वो नेचुरल पॉन्ड में आप वाटर प्लांट भी ऐड कर दीजिए, वाटर प्लांट ऐड करने पे आप मरल को ना नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा दोस्तों। आप सोचिए मरल कहाँ रहती है तालाब में, मरल ऐसी जगह रहती है जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, सुमसाम रहा हो, ठीक है, प्लांट्स रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे एरिया में मरल रह कर ना शिकार करती है दोस्तों। अगर आपको ऑक्सीजन ब्लोअर लगा के आप सीमेंट टैंक में या बायोफ्लॉक टैंक में रख देंगे तो वो परेशान हो जाएगी दोस्तों। मरल ऐसी एनवायरनमेंट में नहीं रहती है, तो आप ये बात जानकर चलें, ठीक है। फार्मिंग में मरल परेशान होने की एरिया में नहीं रहती, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है वैसे एरिया में नहीं रहती, मरल सुमसान जगह में रहती है, शिकार करती रहती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वहाँ पे वाटर प्लांट्स भी लगे हैं, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे। अगर आपके पास छोटा बच्चा है 1 इंच का 2 इंच का तब तक 80 से 100 ग्राम नहीं आता, तो आपको ऐसे केज कल्चर में पालना होगा दोस्तों मरल को, ठीक है। बाद में उसको गिनती करके ना फिर से आपको जो जिस एरिया में मूव करना है उस एरिया में फार्मर को फीजिबल रहता है, सूटेबल रहता है 80 से 100 ग्राम्स का बच्चा दोस्तों। तब तक 80 से 100 ग्राम नहीं आता तब तक आपको ऐसे केज कल्चर में मरल को पालना पड़ेगा। उसके साथ साथ वाटर प्लांट भी रखिए, उसके साथ नेचुरल पॉन्ड भी रखिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे करेंगे तो मरल हेल्दी ग्रोथ होगा दोस्तों और आपको हाई प्रॉफिट आने के चांसेस है दोस्तों। और थोड़े दोस्त बोल रहे हैं कि पीएच लेवल कैसे रहना है, भैया पीएच लेवल आपको 7 to 8.5 रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मरल क्रिटिकल एरिया में भी जीती है दोस्तों, ये ऐसी मछली है मरल और कैटफिश, ठीक है। पीएच लेवल 8 हो 9 हो 10 भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हवा बाहर ऊपर आके लेती है। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम भी हो जाएगा चल जाएगा, क्योंकि मरल ऊपर आके ऑक्सीजन लेती है। आपके आसपास के तालाब में जाइए, पीएच लेवल देखिए, अगर उसमें मछली बच रही है जिंदा है तो सेम वैसे ही पीएच लेवल आप मेंटेन करिए। नॉर्मली पीएच लेवल 7 to 8.5 रहेगा तो ठीक है दोस्तों, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आप नेचुरली प्लांट्स डालेंगे और नेचुरल पॉन्ड में करेंगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा रहेगा और वो ऑक्सीजन वो लेता ही नहीं दोस्तों। मरल ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेता ही नहीं है, मरल ऊपर आके ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन को, जैसे इंसान लेते हैं जानवर लेते हैं बाहर से ऑक्सीजन, ठीक है, वैसे नाक से मरल ऊपर आके लेता है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेबल है आपको पॉन्ड कल्चर। ये बायोफ्लॉक का कल्चर हमारे देश का नहीं है दोस्तों, इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड में ना उनको जगह की किल्लत रहती है, उनके पास लैंड नहीं रहता है, वो आइलैंड रहता है, वो सारे समंदर के बीच में रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम रहता है। तो वो बायोफ्लॉक कल्चर में ना वो लोग इसका फंगासियस का और कैटफिश का पालन करते हैं दोस्तों। तो हम अडॉप्ट कर लिए हैं, थोड़े लोग पैसा कमाने के चक्कर में ना लालची लोग जो रहते हैं बायोफ्लॉक को इधर इंडिया में ला के दिखावा कर रहे हैं और उसका ट्रेनिंग देकर पैसा लूट रहे हैं दोस्तों। तो आपको प्रेफरेबल है नेचुरल पॉन्ड कल्चर, सस्ते से सस्ता हो जाएगा। आप सीमेंट टैंक के पीछे मत भागिए, 10,000-20,000 हो जाएगा उसको खर्चा, और मेंटेनेंस तो भूल ही जाइए दोस्तों। पानी अगर फिसल गया, आप अगर उसमें उतर गए वीकली, अगर आप क्लीन कर रहे हैं, अगर फिसल भी गए तो आपको सर फट जाएगा दोस्तों। सर फटने के बाद में अगर मैं नहीं बोलूँगा क्या होगा, हॉस्पिटल जाएंगे तो और भी लूटालाटी होगी दोस्तों। तो आपको नेचुरल पॉन्ड कल्चर बहुत बेहतरीन सूट होगा मरल के लिए, और हेल्दी ग्रो करेगी और स्ट्रेस फ्री रहेगी दोस्तों। मरल स्ट्रेस फ्री होगी तो ही ग्रोथ करेगी दोस्तों, ये बात याद रख लें। और इसके साथ साथ मैंने नेचुरल फूड जो मरल खाती है वो भी वीडियो बनाया है, वो भी देखिए। और आपको अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लगाइए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग नंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर अगर मैं दूंगा तो बाद में मुझे प्रॉब्लम होगा दोस्तों। ये फीड माफिया सीड माफिया ना पता होगा आपको दोस्तों, अगर वो लोगों को अगर झटका लग रहा है मेरी वीडियो से तो वो क्या करेंगे कैसे करेंगे,
आप लोगों को पता होगा, तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, बाद में मैं फ्यूचर में सोचता हूँ नंबर देने की जिन्यून फार्मर्स को दोस्तों, ठीक है, जो फीड माफिया स्वीड माफिया को मेरी वजह से लॉस हो रहा है, तो मैं उनको तो मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ मगर वो लोग मुझे निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो उनको मैं नुकसान कर रहा हूँ ना, ये जो सारे सीक्रेट रिवील करके। बायोफ्लक टैंक नहीं बोल रहा हूँ, तो बायोफ्लक का बंदा जो है वो तो लास्ट में चला जाएगा, वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बायोफ्लक को इंडिया में लाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ठीक है। सीमेंट टैंक से तो लेबर को फ़ायदा होगा, ठीक है, सीमेंट प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप नेचुरल प्लांट में जाइए। अगर आपके घर में अगर 50 गज की भी जगह फ्री है तो उसमें नेचुरल प्लांट बनिए। अगर आपके खेत में 1 एकर लैंड है तो आप कितने बहुत सारे बना सकते हैं, 100 या 200 50 गज के, ठीक है दोस्तों। तो पॉन्ड विद इन द पॉन्ड आप कल्चर कीजिए। मरहल का बच्चा अगर छोटा है तो उसको एटलीस्ट 80 to 100 ग्राम्स आने तक आप पॉन्ड में विद इन द पॉन्ड और एक पॉन्ड, जैसे मैंने केज कल्चर बताया था आपको, चारों ओर आपको जाली जैसा लगाना है, ठीक है, मच्छरदान या मछली की भी जाली मिलती है, आपको नीचे भी लगाना है, उसमें आपको दाना डालना है, ठीक है दोस्तों। दाना चारा मैंने मरल का फिश क्या है क्या खाती है वो उसके लिए उसका भी वीडियो बनाया, प्रीवियस वीडियो देखिए फ्री में, और भी मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, ठीक है, बहुत सारे फ्री फीड है दोस्तों। तब तक आप बने रहिए, जेन्युइन फार्मर्स तक ये बात आप पहुँचाते रहिए, ठीक है दोस्तों। जेन्युइन फार्मर्स को ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दीजिए और आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ये फीड माफिया सीड माफिया नेगेटिव कमेंट भी करेंगे और हमें परेशान करने की भी कोशिश करेंगे और जेन्युइन फार्मर को लॉस करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड ऑफ द ईयर मेरा कोशिश यही है कि प्रोडक्शन कास्ट कम से कम किया जाए, ताकि एंड यूज़र को, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले को भी मरल खाने की नसीब हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तब तक बने रहे, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।